out there, huh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، عزیزان اسلامی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، آج کی یہ مجلس استثنائی طور پر منفرد مجلس ہیں، اس مجلس کا عنوان عجیب بھی ہے اور عظیم بھی، لیکن قبل اس کے میں خاص اس مجلس کی مناسبت سے کچھ عرض کروں، چند مطالب کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے ضمن میں پہلی محرم سے ہماری گفتگو کا عنوان ہے، درس اسلام ہے حسین کا ذکر. ہم نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ اسلام کے حوالے سے زندگی کے کسی بھی رخ پر روشنی ڈالنی ہو تو واسطہ نور حسین کی ذات ہے، اور یہ آیتیں گویا سرکار سید الشہداء کی شخصیت میں مجسم اور مجسد ہو گئی ہیں.
ये किस तरीके से पूरी जिंदगी नजर अल्लाह की जाती है। जिंदगी के वो आमाल भी जो इख्तियारी हैं और जिंदगी के वो अफाल भी जो इंसान के लिए इरादी और इख्तियारी नहीं है। और वैसे तो तह दर तह इस आयत करीमा में अभी न जाने कितने मतालिब मौजूद हैं, लेकिन आप आयत के सियाक व सबाक को नजर में रखें, आयत में जो मजमून है उस मजमून के इर्तिका पर नजर रखें। इरशाद इलाही हुआ है, ऐ नबी, ऐ रसूल, ऐ हबीब, कह दीजिए कि मेरी सलात, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानी और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत उस माबूद बरहक के लिए है जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है। ला शरीक लहू, कोई उसकी जात में किसी लिहाज से शरीक नहीं है। ये ला लाए नफ़ ये जिन्स है, ला शरीक लहू, किसी लिहाज से कोई शरीक नहीं है। وَبِذَلِكَ أُمِرْت, और इसी अम्र का मुझे हुक्म दिया गया है। आज इस तकरीर में, इस वक्त में, इस मकाम पर आपकी फिक्रों को रोकना चाहूंगा। हुजूर से कहलाया जा रहा है मुझे हुक्म दिया गया है। किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? कि मैं अपनी नमाज, अपनी सलात, अपनी तमाम इबादतें और अपनी कुर्बानियाँ और अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी मौत नज़र अल्लाह का, खालिसतन लिवजहिल्लाह, इसका मुझे हुक्म दिया गया है। वबिदालिक उमिरतु, मैं मामूर हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है। ये हुक्म किस एतबार से दिया गया है? यहाँ पर तवज्जो करने की बात यह है कि यह हुक्म सिर्फ लिसान वही से नहीं दिया गया है। यह हुक्म दाखिल से, बातिन ज़ात से, बातिन वजूद से भी यह हुक्म इंसान के लिए है और खारिज से, लिसान वही से, लिसान जिब्राइल से भी यह हुक्म नाजिल हुआ है। दोनों एतबार से इंसान इस हुक्म को दरियाफ्त कर सकता है, दरियाफ्त कर सकता है, कशफ कर सकता है। कोई भी इंसान हो, अगर अपने अमाक वजूद में, अपने बतून ज़ात में, अपनी ज़ात की गहराई में, अपने वजूद की गहराई में सफ़र करेगा, अपने दाखिल में सफ़र करेगा, तो उसे यही तहरीर मिलेगी, यही हुक्मनामा मिलेगा, यही अहदनामा मिलेगा कि तुझे बजुज खुदाए वाहिद किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। असल अजमत इंसानी का राज इसी में पोशीदा है। ये दुनिया बहुत जलील दुनिया है, ये दुनिया दार गफलत है। इंसान गफलतों का शिकार हो जाता है
और अपनी अजमतों से भी बेखबर रहता है। वरना इस इंसान की आजमत का राज, अगर ये इंसान अजीम है इस कायनात में, इस पूरी कायनात में अगर ये इंसान अजीम है तो सिर्फ इसीलिए कि उसके बातिन में ये हुक्मनामा, ये अहदनामा मौजूद है और महफूज है कि तुझे खुदाए वाहिद के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना है और खुदाए वाहिद के अलावा अपनी ये जिंदगी, ये नफीस जिंदगी, ये अजीज जिंदगी, ये अजीम जिंदगी, ये लतीफ जिंदगी किसी और की नजर नहीं करनी। बातिन में भी अहदनामा मौजूद है और जाहिर में ये जो वही का सिलसिला है, वही का पैगाम भी यही है। खुलासा वही इलाही है, ये चाहे वो वही आदम पे नाजिल हुई हो या नूह पर या इब्राहिम पर या मूसा पर या ईसा पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हबीब किब्रिया खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही का तकाजा भी यही है, फितरत का तकाजा भी। और इस तकाजाए फितरत को, इस अहदनामे को, इस इबारत को पढ़ना ये हुनर जरूर है। तवज्जो फरमाइए कि अगर हम वाकई इस कायनात में गौर करें और अपनी जात में गौर करें तो ये कायनात भी जिस तरह मस्नू नजर आती है, जिस तरह मालूल नजर आती है, जिस तरह ये नजर आता है कि ये बनाई गई है, उसी तरह नजर आता है कि ये किसी एक ताकत की महकूम है, किसी एक ताकत की महकूम है। छोटे से छोटे जर्रे से लेकर बड़े से बड़े जर्म समावी तक, जर्रे से आफ्ताब तक, और बेजान से इंसान जैसे जानदार तक हम देखते हैं कि ये महकूम है। किसका महकूम है इंसान? अब यहां से तफसीरें मुख्तलिफ होती हैं। नेचर, फितरत, कुदरत, किसका महकूम है इंसान? यहां पर एक चीज की तरफ मुल्तफित करूंगा कि कुरान हकीम ने या वही इलाही ने या मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक खालिक की तरफ दावत दी है, खुद कुरान का मतन कुरान भी पढ़ें और पैगाम रिसालत के आमाक में, उसकी गहराइयों में गौर फरमाएं, मुतालआ करें, मुस्तनद तरीन हवालों को जब आप जेरे मुतालआ लाएंगे तो आप देखेंगे कि बात सिर्फ एक माबूद की नहीं है। ये इतने आसमाए हुस्ना किस लिए बार बार बयान किए गए हैं कि वो वाहिद है लेकिन वो समीर भी है, वो वाहिद है वो बसीर भी है, वो वाहिद है वो अलीम भी है, वो वाहिद है वो खबीर भी है, वो वाहिद है मगर ऐसा वाहिद है कि उसे तुम्हारे सीनों के असरार भी मालूम है। तुम किसी बात का इजहार करो तो उसे खबर है, तुम किसी बात का इजहार ना करो तो उसे खबर है।
بطور خاص قرآن مجید میں علم الہی پر کس قدر روشنی ڈالی گئی ہے. اسے ذرے ذرے کا علم ہے, اسے تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے اسرار کا علم ہے, تمہاری نیتوں کا علم ہے. وہ سمیع و بصیر ہے, وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, بغیر کان کے سنتا ہے. خصوصیت کے ساتھ علم الہی اور قدرت الہیہ, اس پر بے پناہ تاکید ہے, اصرار ہے, زور دیا گیا ہے, اس کا بیان کیا گیا ہے. کس لیے؟ اور اس حقیقت کو بھی اگر آپ اپنے اعماق میں, اپنے وجود کی گہرائیوں میں سفر کریں, تنہائیوں میں بیٹھ کر آپ حجلہ جام میں اعتکاف کریں, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو آپ کی ہلکی سے ہلکی سانس بھی سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہا ہیں, آپ کوئی راز اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا لیں. ایک کوئی ایسا ضرور ہے جس کے آگے کوئی راز چھپایا نہیں جا سکتا. یہ آپ اپنی فطرت کی گہرائیوں میں جب سفر کریں گے تو محسوس کریں گے. یہ بھی متن فطرت میں موجود ہے, یعنی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی متن فطرت میں لکھا ہوا ہے, اور اسماء حسنہ بھی متن فطرت میں لکھے ہوئے ہیں. ان اسماء حسنہ کو اور اس کلمے کو لسان وحی میں اور متن قرآنی میں سنایا بھی گیا ہے. یہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ انسان اگر اس حقیقت توحید پر ان اسماء و صفات کی روشنی میں غور کرتا رہے تو کبھی اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا, اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا انسان. میں نے کئی فقرے عرض کیے تھے گزشتہ مجلسوں میں, جس میں ایک فقرہ یہ تھا کہ فقہ سے اخلاق تک اور اخلاق سے عرفان تک ایک تسلسل ہے. شریعت کے احکام, دین کے اصول و فروع اور شریعت کے احکام, یہ صرف ایک خاکہ تیار کرتے ہیں. اس خاکے کو ایک جسد میں تبدیل کرتا ہے علم اخلاق, اور اس علم اخلاق سے تشکیل پانے والے جسد میں روح ڈالتا ہے علم عرفان. یہ تعمیر کیسے ہوتا ہے, یہ کس طرح تعمیر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر کوئی تعمیر کرنا چاہے؟ یہ اسماء الہیہ, اس کا سمیع ہونا, اس کا بصیر ہونا, اس کا علیم ہونا, اس کا خبیر ہونا, اس کا لطیف ہونا, اس کا مدرک ہونا, اس کا مرید ہونا, اس کا کریم ہونا, اس کا عزیز ہونا, اس کا جلیل ہونا, اس کا جمیل ہونا, اس کا رحیم ہونا, یہ تمام حقیقتیں اگر انسان غور کرتا چلا جائے, صرف ان حقیقتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کی فکر, آپ کا خیال, آپ کی قوت عاقلہ ایک جسد تعمیر کرتی چلی جاتی ہے, بشرطے کہ اسماء الہیہ کی روشنی میں, اندر سے, داخل سے, باطن سے یہ تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر اسماء الہیہ کی روشنی میں یہ تعمیر ہوگی, فطرت انسانی کی عبارتوں کو پڑھا جائے گا اور وجود انسانی کی تعمیر ہوگی, اس عمارت کی تعمیر ہوگی جسے کہتے ہیں انسان, تو وہ بے انتہا عظیم الشان تعمیر ہوگی. یہ عمارت دنیا کے کسی مادے سے نہیں تعمیر ہوتی, یہ عمارت صرف اور صرف تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر ہوتی ہے. یہ تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر کا عمل
कोई और तालीम नहीं कर सकता बजुज उसके कि जिसको उसने बना कर भेजा हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या आपके अहले बैत से होने वाले अइम्मे अतहार जिन्हें हम मासूम कहते हैं, मासूम के मानी क्या है? मासूम के मानी यही है कि उनकी जात, उनकी शख्सियत, उनका किरदार तामीर हुआ है तजल्लियात अस्माए इलाहिया से। वो समीह है, आप कुछ भी गुफ्तगू कर रहे हो कहीं पर भी वो सुन रहा है। वो बसीर है, तो आप कुछ भी कर रहे हो कहीं पर भी वो देख रहा है। अगर यही दो ख्याल इंसान के जहन में कायम रहे कि वो देख रहा है और वो सुन रहा है, तो खुद ये दो तसव्वुरात काफी हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह बसर करे कि उसकी रजा के पैमाने पर पूरी हो जाए। परवरदिगार की रजा हमारे लिए, आम इंसान के लिए चीज मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बस आज ये समझ के जाइए, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और अगर इंसान मुश्किलात से बचने की सिर्फ फिक्र करे तो ये इंसान की उलुल आजमी के खिलाफ है। सहल अंगारी कैसी, सहल पसंदी कैसी, सिर्फ सहूलतों की तलाश में है आप। आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, इख्तियार दिया है, इरादा दिया है, उलुल आजमी का मुजाहरा कीजिए। उलुल आजमी का मुजाहरा कीजिए, पस्त हिम्मती नहीं, कम हौसलगी नहीं, हौसले बुलंद रहे, हिम्मत बुलंद रहे। ये हिम्मत और हौसला कैसे बुलंद होगा? जहां 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 जरा थकन का एहसास हो वहां या नादे अली पढ़ लीजिए या नादे हुसैन। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत से हजरात ये समझते हैं कि नादे अली पढ़ना भी बस इतना ही है कि ये जो चंद फकरे हैं इसे जबान से दोहराना है और बस। कोई दुआ सिर्फ जबान से दोहराने से मुस्तजाब नहीं होती। मैंने इस अशरे में दो तीन मरतबा कहा, नादे हुसैन अनिया इंसान, नादे हुसैन अनिया इस्लाम, नादे हुसैन। ये आपने नहीं सुना होगा पहले, नादे हुसैन के क्या मानी है, नादे अली के क्या मानी, अली को पुकारो, नादे हुसैन के क्या मानी, हुसैन को पुकारो। इस वक्त हुसैन को पुकारने के क्या मानी है? हुसैन को पुकारने के मानी ये है कि हम अपनी जात में वो इस्तेकामत पैदा करें जो हुसैन में इस्तेकामत थी। हम अपनी जात में उस यकीन को पैदा करें जो यकीन सरकारे सैयदुश्शहदा की जात में था। हम अपनी जात में उस आज़म को परवान चढ़ाएं जो आज़म सैयदुश्शहदा की जात में था। नादे हुसैन के ये मानी है, ये नहीं कि आज़म से खाली हो, यकीन से तुही माया हो, हौसला ना हो और सिर्फ जबान से नादे हुसैन पढ़ते रहें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो आज़म, वो यकीन, वो ताल्लुक ज़ाते इलाही से वो पैदा करें और फिर हुसैन को याद करें तो फैज हुसैन का पहुंचता है। आमतौर पर हमारे मुआशरे में दुआ का तसव्वुर यही है कि बस जबान से चंद अल्फाज, चंद कलिमात दोहरा लेने से गोया के काम हो जाएगा। यकीनन अगर परवरदिगार को पुकारा जाए और सही वसीलों और सही वासितों से पुकारा जाए तो काम होता है, मगर
ये शरायत अपनी जगह, यकीन, आज़्म, सच्ची तलब, इसमें हिलाल नहीं, बेयकीनी नहीं। और ये ना समझिए अभी जो मैंने कहा बाज़ हज़रात के ज़ौक पर गना गुजरेगा कि हम अपने अंदर वो यकीन कैसे पैदा कर सकते हैं जो हुसैन के अंदर था, हम अपने अंदर वो अज़्म कहाँ से पैदा कर सकते हैं जो सरकार सैयद शुहदा में अज़्म था, वो मासूम हुज्जत खुदा सिबत रसूल ये सब बचा, इसमें कोई शक उनकी अजामतें अपनी जगह हैं। कोई हुसैन नहीं बन सकता इस कायनात में और कोई अपने अंदर वो यकीन बेऐन नहीं पैदा कर सकता जो हुसैन की जात में था। मगर इसी करबला के वाकयात पर नजर करें, हुर हुसैन तो नहीं था, जुहैर हुसैन तो नहीं था, हबीब हुसैन तो नहीं थे, बुरैर हुसैन तो नहीं थे। हुसैन का मर्तबा अपनी जगह महफूज है, कोई इस कायनात में दूसरा हुसैन नहीं बन सकता। मगर हुसैन से एक निस्बत कायम हो तो इंसान हुर बन सकता है, इंसान जुहैर बन सकता है। और इस वक्त ये लम्हात जो हम गुजार रहे हैं इस कायनात में, ये जो वक्त गुजर रहा है अजीजाने गिरामी, ये बहुत सख्त वक्त है। इस वक्त हुर्रियत के सही माना समझने भी जरूरी हैं और हुर्रियत के सही माना पर अमल करना भी जरूरी है। ज़मीरों की आज़ादी का सबूत दें, इस्लामी हुर्रियत का सबूत दें, हकीकी हुर्रियत का सबूत दें। और मुकर्रर अर्ज कर चुका हूँ कि यह हुर्रियत भी कहीं और से नहीं, हुर्रियत के मानी भी हुसैन के खुतबे आशूरा से समझने की कोशिश करें। आज सुबह हुसैन की आवाज गूंज रही थी, अपने दुश्मनों से कह रहे थे, हुसैन अगर तुम्हें खुदा पर यकीन नहीं है, अगर तुम्हें रोज़ आखिरत पर यकीन नहीं है, तो कम से कम आज़ादी ज़मीर का सबूत तो दो। फकूनू अहरारन फी दुनियाकुम, आज़ादी का सबूत तो दो। रोज़ आशूरा सैयद शुहदा ने यह जुमला फरमाया, इंसानों आज़ादी ज़मीर का सबूत दो। ये यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में फ्रीडम लिखी हुई है और जो फ्रीडम की तफसीरें और तशरीहें हो रही हैं, उसमें सिर्फ मुगालते ही मुगालते हैं। खुदा की कसम हकीकी माना हुर्रियत के सरकार सैयद शुहदा ने बताए हैं। और सिर्फ हुर्रियत के माना नहीं, फ़ज़ाइल इंसानी, करामात इंसानी, औसाफ़ इंसानी अगर सीखने हो तो मदरसा हुसैन में सीखे इंसान। दर्स इस्लाम हो या दर्स इंसानियत, एक करबला अगर समझ में आ जाए, एक करबला हुसैन की करबला, तो दोनों जहान के असरार खुल के सामने आ जाए। दोनों जहान के असरार, दुनिया भी तस्खीर हो जाए, आखिरत भी मुसक्कर हो जाए, इंसान सरफराज हो जाए। मगर हाँ, आम तौर पर इंसान समझता है कि ये तस्खीर का अमल आसान है, बस मुसलसल आप 10 दिनों से सुनते रहे। और मैंने ये बात अर्ज की कि सिरात मुस्तकीम इस तरह एक सीधा रास्ता नहीं है जैसे आपके जहनों में है, बहुत नशेब व फराज हैं इसमें। मगर जिस नुक्ते हयात पर भी हो इंसान,
वहां से बराह रास खुदा से मुत्तसिल रहे, यह है सराते मुस्तकीम। जिस नुक्ते हयात पर भी हो, जिस जाविया वजूद पर भी हो, वहां से इंसान का ताल्लुक कायम रहे सरकारी सैयद शहदा की ज़ात गिरामी के हवाले से परवरदिगार के साथ। ये राज अब राज नहीं रहा, अब ये राज अलम नशरा हो चुका है। अब दुनिया इन मतालिब को मस्क करना चाहती है, ये आपका फरीजा है कि इस पैगाम को मस्क ना होने दें। खुदा आपकी जिंदगियों में खूब बरकत अता फरमाए, हर एतबार से परवरदिगार आपको सरफराज फरमाए और आपको महफूज रखे, मामून रखे। बस आप महफूज रहें, आपका घर कभी ना उजड़े, आपके बच्चे सलामत रहें, कोई दुश्मन आपके किसी बच्चे को गजंद न पहुंचाए, आपके घर की बीवियां इज्जत व आबरू से रहें, कोई आपके घर की बीवियों पर दस्त तादी आगे ना बढ़ाए। खुदा आपको पूरी पूरी आजादी अदा करे, खुदा ना करे आप में से कभी कोई असीर हो। परवरदिगार एक करबला गुजर चुकी, अब इंसानियत पर दूसरी करबला ना गुजरे। हर चंद के हर रोज इस कायनात के, इस दुनिया के किसी न किसी गोशे में जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। अहले सितम करबलाएं दोहरा रहे हैं, मगर वो करबला जो सन 61 हिजरी की करबला थी वो मुनफरिद है, उसकी इनफरादियत अपनी जगह बरकरार है। वो हुसैन की करबला है, सिबत रसूल की करबला है, फातिमा जहरा के बेटे हुसैन की करबला है। किस सब्र से, किस सबात से, किस आजम से दरकार सैयद शहदा ने जिहाद फरमाया है और इस करबला को बर्पा किया है। अगर मुख्तलिफ जामियों से गौर फरमाएं तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि करबला सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, करबला सिर्फ एक गमंगेज सानहा नहीं है, करबला सिर्फ एक अलमिया नहीं है, सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, करबला एक मौजजा है जो हुसैन का लाजवाल मौजजा है। हर चंद के बहुत अलमनाक है वाकया, मगर अलमनाकी के बावजूद मौजजा है करबला। तारीखी वाकया भी है, मौजजा भी है करबला, अलमनाक सानहा भी है और मौजजा भी। दिन की मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ कि करबला के इतने वाकयात हैं कि तमाम जुज़ियात और तफसीलात के साथ ताकत नहीं है किसी में के बयान कर सके। असर आशूर तक करबला में सरकार सैयद शहदा, अबू शहदा, इमाम शहदा, अबू अब्दुल्लाह हुसैन, कुर्बानियां पेश कर रहे थे। हुसैन कुर्बानियां पेश कर रहे थे असरे आशूर, जब शहादत उज़्मा पेश कर चुके हुसैन, उसके बाद दो शख्सियतों का किरदार उभर के सामने आता है। यानी जब रोज़े आशूरा का सूरज गुरूब हो रहा था,
अजीजो मुझे मालूम है आप इस वक्त मजलिसे शाम गरीबा के ताल्लुक से सिर्फ गिरिया करना चाहते हैं, सिर्फ मातम करना चाहते हैं, मगर हमारी हर गुफ्तगु में कोई ना कोई एक पैगाम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दुनिया के उन अफराद तक भी पहुँचे जो इन हकायक की पूरी गहराई से वाकिफ नहीं है। बस एक मुकालमा अर्ज करूँगा और उसके बाद चंद फ़िक्रे मसायब के, इसलिए कि मेरे सीने में भी दिल है। बाज़ लम्हे तो ऐसे होते हैं कि मेरा जी चाहता है कोई और मसायब पढ़े और मैं अपना सरोसीना पीटूं, लेकिन आप जब्त करेंगे, आप इहतमाम इलाही देखेंगे। अपा हुसैन ने जो हुज्जतें तमाम की हैं रोज़े आशूरा, उसमें एक ये है कि दुश्मनों से पूछा है, ये बताओ तुम मेरे खून के दर पे क्यों हो, क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, क्या मेरे जिम्मे किसी का खून है, मैंने किसी को कत्ल किया है, किसी का खून है नाहक मेरे गले पर है जिसका इंतकाम लेना चाहते हो। सब ने कहा नहीं, नहीं। क्या मैंने शरीयत बदल दी है, नहीं। कोई और तलब है मुझसे, कोई और गुनाह सरजद हुआ है मुझसे, नहीं। तरह तरह से सवालात किए, दुश्मनों ने सराहत के साथ एक बात कही है रोज़े आशूरा, जब आपने फरमाया तमाम हुज्जतें तमाम करने के बाद कि फिर तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो जवाब दिया बुग़्ज़न ले अबीक, इसलिए कि हमारे दिल में तुम्हारे बाबा अली इब्ने अबी तालिब का बुग़्ज़ है, क्योंकि बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में इस्लाम जिस वक्त वाकयन फैल रहा था, तौहीद की खातिर जब जंगें हो रही थी, तंजील पर जब जंगें हो रही थी, उस वक्त अली इब्ने अबी तालिब ने हमारे बाबा और दादा को कत्ल किया। बुग़्ज़न ले अबीक, आप देखेंगे एहतमाम, बस एक जुमले में एक लतीफ लेकिन तफसील तलब बात अर्ज कर रहा हूँ। हुसैन के बाबा का क्या नाम था, अली। बुग़्ज़न ले अबीक यानी अली की दुश्मनी में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। एहतमाम खुदा देखो, करबला में हुसैन कत्ल हो गए, अली जिंदा बच गए, अली इब्नुल हुसैन की शक्ल, अली इब्नुल हुसैन की शक्ल। क्या एहतमाम इलाही है, हुसैन शहीद हो गए। मैं सरकार सैयद शहदा की शहादत अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने दोपहर असर की मजलिस में, मैंने ये भी अर्ज किया कि किस तरीके से जब खाली घोड़ा दर खैमा पर आया है तो बीबियों ने हल्का करके माता कितने रुख हैं, कितनी जुजियात है, क्या क्या एक इंसान पढ़ सकता है, क्या क्या एक इंसान बयान कर सकता है। सैयदु शहदा का सर मुबारक सजदे में क्यों कलम हुआ, और जैसे ही सैयदु शहदा का सर मुबारक नोके नैजा पे बुलंद हुआ है, वैसे ही अली इब्न हुसैन ने अपना सर सजदे में रख लिया। ये करबला है, करबला सजदों की तारीख है, खालिस सजदों की तारीख, करबला नमाजों की तारीख है, खालिस नमाजों की तारीख, करबला अल्लाह की खातिर कयाम की तारीख है, मुखलसाना कयाम की तारीख, करबला खुजू व खुशू की तारीख है, और खुजू व खुशू तमाम है करबला पर। एक मरतबा मैं हिंदुस्तान में बम्बई में एक अजीज दोस्त, मरहूम दोस्त आसी जौनपुरी के साथ बैठा हुआ था, हम दोनों बैठकर सरकार सैयदुश्शहदा की शान में सलाम लिख रहे थे, कोई मुसालिमा था,
और उसमें सलाम पेश करना था। एक मजमून मेरे जहन में आया, हम दोनों बिल्कुल बराबर बराबर बैठे हुए थे मुगल मस्जिद में, और कभी वो किसी काफिये का जिक्र करते थे, मैं शेर कह देता था, कभी मैं किसी काफिये का जिक्र करते थे, वो शेर कह देते थे, कभी मैं मजमून बयान करता था, वो शेर कहते थे, कभी वो मजमून का जिक्र करते थे, मैं शेर कहता था। अजीब कैफियत थी। मैंने कहा एक मजमून जहन में आया, एक ख्याल है, जरा तसव्वुर कीजिए कि ये कायनात, इसके हक क्या है बरकरार रहने का कत्ल हुसैन के बाद। सरकार सैयद शहदा की शहादत के बाद भी अगर ये आसमान कायम है और ये जमीन बरकरार है, तो ये हक क्या है इसके इसे इसके बाकी रहने का। उन्होंने कहा कि सवाल तो बहुत अजीम है और हकीकी सवाल है। मैंने कहा ये सवाल मैंने जिक्र क्यों किया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप ये गौर फरमाएं कि आका हुसैन ने भी सजदे की हालत में क्यों शहादत कबूल फरमाई, और जैसे ही सर मुबारक हुसैन नेजे पे बुलंद हुआ है, फौरन सैयद सज्जाद ने अपना सर जमीन पर रख दिया। इनके सजदे के एहतराम में ये जमीन कायम रही और आसमान बरकरार रहा है। इनके सजदे के एहतराम में, और इस ख्याल को उस मरहूम ने अपने सलाम के मक्ते में इस तरह अदा किया है कि मुनकलिब होने को था आसी निजामे दो जहां, मुनकलिब होने को था आसी निजामे दो जहां, थम गए अर्जो समा जब शाह ने सजदा किया, थम गए अर्जो समा जब शाह ने सजदा किया। करबला सजदों की तारीख है, मुखलिसाना सजदों की तारीख। एक तरफ सैयद सज्जाद की इबादत और सजदा, और दूसरी तरफ सानिय जहरा सैयद जैनब, जिन्हें मैं मासूमे करबला कहता हूँ। बीबी जनाब मासूम करबला, जनाब जैनब के कारनामे, एक तरफ नन्ही बच्ची का भी ख्याल है, रबाब से कहती हैं अगर इस वक्त बच्ची ने मातम नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, जरूरी है कि बच्ची मातम करे। बच्ची को बुलाती हैं, मातम करती हैं, और उसके बाद फिर खुद उस नशेब में जाती हैं जहां हुसैन सर कटाए हुए पाए। क्या क्या खिदमतें किस किस शख्सियत ने अदा की, तसव्वुर कीजिए। दुखियारी जैना सुबह से शाम तक क्या क्या मुसीबतें देखी हैं जैना, औनो मोहम्मद के लाशें देखे हैं जैनब ने, अली अकबर का लाशा देखा है जैनब ने, कासिम का टुकड़े टुकड़े लाशा देखा है जैनब ने, और उसके बाद जैनब में इतनी ताकत है कि वो नशेब में जाती हैं और सरकार सैयद शहदा का जिसमें मुबारक मुलायजा फरमाती हैं, जिसपे अब सर मौजूद नहीं है, और उसके बाद हाथों को उठा के परवरदिगार के बारगाह में कहती हैं अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ए परवरदिगार हम अहले बैत मुहम्मद की तरफ से ये कुर्बानी कबूल। बीवी का वहां तक जाना और बीवी का उस लाशे को देखना, और उसके बाद ये कि मुझे इस वक्त क्या करना है, किसकी बारगाह में क्या खिदमत अदा करनी है, तारीख में किस मतन को साब्त करवाना है। फकरे अर्ज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, मजलिस मजलिस शाम गरीबा है,
बीबी जैनब ने अपने भाई का लाशा किस हालत में देखा था? तारीख ने फितरे लिखे हैं, अब ये तय करना तज़िया निगार का काम है कि कौन सा फितरा कब कहा गया होगा। ये फितरा कि बीबी ने भाई के लाशे को देखकर हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा اللهم تقبل منا هذا القربان, ये 10 मुहर्रम का फिक्रा है। और जब बीबी 11 मुहर्रम को असीर होके जा रही थी, ये उस वक्त का फिक्रा है कि जब भाई के लाशे के करीब पहुंची हैं, तो अजीजों भाई का लाशा उस वक्त घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका। तारीख का फितरा इस तरह पामाल हुआ था कि सीने की हड्डियां टुकड़े टुकड़े। और ये वो मुसीबत थी, इस मुसीबत में आका हुसैन के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं। ये तारीख का बयान है कि जब दुश्मन ने यह तय किया है कि हुसैन के लाशे को घोड़ों की टापों से पामाल करना है, तो एक एक गरोह आगे आया और उसने इमाम हुसैन के अंसार में से एक एक का लाशा अलग करना शुरू किया। एक एक कबीला आता था, कहता था कि ये हमारे कबीले का शहीद है, जरूर हुसैन के साथ था, ये शहीद हो गया, मगर अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये घोड़ों की टापों से पामाल किया गया। होर का कबीला आया, होर के लाशे को लेकर अलग चला गया। बनी असद आए, हबीब के लाशे को लेकर अलग चले गए। जुहैर का कबीला आया, जुहैर का लाशा लेकर अलग चले गए। और जिस वक्त पामाली का मरहला आया, उस वक्त सिर्फ फातिमे जहरा का लाल हुसैन तन्हा था। आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह। हुसैन का लाशा पामाल हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया। और इसीलिए जब बीबी गुजरी है लाशे के पास से दोबारा, तो बीबी ने हैरत व इस्तेजाब से देखा। इस हैरत व इस्तेजाब में बहुत सी बातें, इस एक सवाल में बहुत सी बातें हैं। हुसैन नवासे रसूल है, हुसैन हुज्जत खुदा है, हुसैन फातिमा जहरा का बेटा है, हुसैन जैनब का भाई है, यानी जैनब का भाई सिर्फ जैनब का भाई नहीं है, रसूल का बेटा है ना, फातिमा जहरा का लाल है ना। ये तमाम बातें जहन में रखिए। उसके बाद देखिए कि एक मरतबा जैनब ने खिताब किया है उस टुकड़े टुकड़े लाशे से, कहा अंत आखी, क्या तू मेरा भाई है? अजीजों शाम गरीबा, दरअसल जैनब के कारनामों के बयान की शाम है। शाम गरीबा दरअसल वो शाम है जिसमें जनाब जैनब ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं कि जो कोई वलीउल्लाह अलअम अंजाम दे सकता है। मैं शायद ज्यादा देर तक अब कुछ नहीं अर्ज कर सकूंगा, सिर्फ एक मंजर अर्ज करना चाहूंगा बस, और फिर आप गिरिया करेंगे, आप मातम करेंगे। आज मातम में बुखल ना कीजिएगा, आज मातम में बुखल ना कीजिएगा। दुनिया नहीं समझती इस मातम का फलसफा, ना समझे आप तो समझते हैं ना। आप इस अमल का कितना आजिज है इंशाल्लाह। आपके ये गिरिए की आवाजें फातिमा जहरा को कैसी तस्कीन पहुंचे।
एक जुमला, बस एक फितरा, एक मंजर। आपने सुना है, मुझसे भी सुना है और हर जाकिर से सुनते हैं। आका हुसैन को जब कासिम ने आवाज दी थी कि चचा जान मेरी मदद को आए, आका हुसैन सूरत से गए थे और देखा था कि कोई शकी है जो कासिम का सर काटना चाहता है। हुसैन से ये मंजर देखा न गया। हुसैन ने उस कातिल पे हमला किया और कासिम के सर को कलम होने से बचा लिया। ये तारीख है और इसके मानी ये है कि जब तक हुसैन जिंदा रहे, बर्दाश्त कर सकोगे अजीजो, बर्दाश्त कर सकोगे? खवातीन भी सुन रही हैं, हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, सुने शाम में गरीबा ज़ैनब के कारनामों के बयान की शाम। इसके मानी है कि हुसैन ने कुर्बानियां जरूर पेश की, मगर हुसैन ने अपनी आंखों से किसी का गला कटते नहीं देखा। शहादत के बाद जब बच्चे बिल्कुल मायूस हो गए कि अब तो कोई पानी लाने वाला नहीं है, जो भी पानी लेने के लिए गया वो सब शहीद हो गए, तो बच्चों ने जलती हुई रेत को हटाया है। और जब थोड़ी सी हल्की बहने तेज तपती हुई रेत हटाई, जब जरा ठंडी रेत निकली तो उस पर अपने सीने रख दिए। ऐसे थे कि उस ठंडी रेत पर सीना रख के जो उन्हें नींद आई तो फिर वो बच्चे बेदार नहीं हुए। जब ज़ैनब ने उन्हें बेदार करना चाहा तो मुझे नहीं मालूम हुसैन ने कितनी बार इन्ना लिल्लाह कहा था। बीबी ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक बच्चा उठा की थी इन्ना लिल्लाह, प्यास की शिद्दत से
हकीकत है जो करबला की तमाम तफसील बयान करे, मगर हाँ इन तमाम मुसीबतों के साथ वली खुदा हुज्जत खुदा अली इब्न हुसैन ज़ैन अल आबिदीन जले हुए खैमों की राख पर पेशानी रखे हुए मुसलसल पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीका ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियतन व इत्ता पूरी शाम गरीबा एक सजदे में गुजार परवरदिगार इन आजादारों को रूह जमीन पर जहां जहां आजादारी हो रही परवरदिगार ने अपने खास इनाम और इकराम से सरफराज कर, अब जो साल भर जिंदा रहेगा उसे ये सआदत मिलेगी कि दोबारा फर्श अज़ा पर इस तरह शाम गरीबा की मजलिस में शिरकत करे और फुरसा दे। हाँ, याद है मेरी असर की मजलिस का फकरा याद है ना, फुरसा दें इसलिए कि मैदान करबला में अभी फातिमे ज़हरा खुद मौजूद है, फातिमा खुद मौजूद है, अली मौजूद है, हसन मौजूद है, रसूलुल्लाह मौजूद है, इसीलिए आसर आशूरा की ज़ियारत में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अहसन अल्लाह लकल अज़ा फी वलदिकल हुसैन, ऐ रसूलुल्लाह पर हमारा सलाम हो, अल्लाह को हुसैन की शहादत की जज़ा दे, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अहसन अल्लाह लकल अज़ा फी वलदिकल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद يا حسن ابن علي احسن الله لك العزاء في اخيك الحسين السلام عليك يا فاطمه احسن الله لك العزاء في ولدك الحسين انا لله وانا اليه راجعون